हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली अग्रवाल और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाइट प्लान ब्रेकफास्ट रूटीन बताऊंगी वेट लॉस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ब्लैक कॉफ़ी से, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ और आजकल मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन घर पर एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह करती हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आज मैं ब्रेकफास्ट में नमकीन दलिया बनाऊंगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले दलिये को भूनना होता है, जो कि मैं भून रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने पहले से ही काट के रखी हुई हैं। टमाटर है, टमाटर के साथ ही मैंने हरी मिर्च काटी है, जो आपको दिख नहीं रही होगी, और फूल गोभी है, मटर है और कैप्सिकम है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो गाजर ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ली हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो आप ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें कुकर में घी डाला है, मैंने इसमें देसी घी डाला है, आप लोग चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हींग डाली है, जीरा डाल रही हूँ, और इसमें अब मैंने टमाटर डाले हैं जीरा भुनने के बाद, और हल्दी डाली है, नमक डाला है, और अब मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च 9 के बराबर और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं मिर्चें बहुत कम खाती हूँ तो इसलिए बहुत ज़रा सी डाली है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च, मटर और फूल गोभी। अब इसे मैंने थोड़ा सा चलाया है। अब इसके बाद मैं इसमें ये भुना हुआ दलिया डाल रही हूँ। इसमें मैंने अब पानी डाला है। अब देखिए, अब इसमें मैंने सीटी लगा दी है और मैंने इसे में 3-4 सीट लगाई हैं और ये ऐसा बना है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये था मेरा वेजिटेबल दलिया। फ्रेंड्स, इसमें मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्याज लहसुन खाते होंगे, मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन यदि आप लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करती हूँ 1 ग्लास दूध बिना मलाई का, आप लोग चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग अगर मिल्क ना पसंद करते हो तो ग्रीन टी ले सकते हैं इसकी जगह। इसके अलावा मैं ब्रेकफास्ट में थोड़े से काले चने भी लेना पसंद करती हूँ, इन्हें मैं रात में भिगोकर रखती हूँ, इन्हें भी लेती हूँ, आप लोग चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं फ्रूट्स में एप्पल है और ऑरेंजेस है या फिर ग्रेप्स है, या जो भी मौसम के ताज़ा फल आ रहे होते हैं वो मैं लेती हूँ, आप लोग चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं इस तरह से। ये मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन है, आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि यहीं समाप्त होता है, और इसके साथ ही मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये कि अब से आपको मेरे वीडियोस मिला करेंगे हर बुधवार और शनिवार। पहले भी मैं बुधवार और शनिवार को ही डालती थी, अभी भी डाल रही हूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं बुधवार की जगह कई बार मैंने बृहस्पति को भी डाला है, शनिवार की जगह रविवार को भी डाला है, लेकिन अब से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूसली मैं बुधवार और शनिवार को ही डालूं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।